वही मैडम ऊपर हो रही है तैयार, मैं आ गया हूँ नीचे। मैं क्या पहले आपको लोगों को दे दूँ अपडेट, आज की वीडियो में बेसिकली मैंने मैडम को देना एक सरप्राइज़। तो उसके लिए आज मैं जो भी करूँगा बेसिकली मैडम को बाहर लेके जाऊँगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा शॉपिंग के बहाने। वो सब एक कवर अप है, कवर अप एक डिस्ट्रैक्शन का तरीका है ताकि उसको बिल्कुल भरा ना लगे कि उसके उसके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान हो रहा है। और फिलहाल अभी तक तो उसको कोई भनक नहीं लगी है, होपफुली जब तक सरप्राइज आता नहीं है तब तक उसको ना पता चले। बस आज उसको ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट करके रखना है एंड मोमेंट तक, और फिर देखते हैं सरप्राइज कैसा निकल के आता है। हेलो जी, वेलकम बैक, सशिका स्वागत है आज की वीडियो में। तो जी फिर छुट्टी का दिन, फिर वही दुविधा, कहाँ जाएं क्या करें। तो जी अब फाइनली यहाँ पे सब कुछ खुल चुका है, आई स्टोर्स मीन के लिए फुल्ली नहीं खुला बट विद रिस्ट्रिक्शंस, स्टोर्स वगैरह खुल चुके हैं। तो हम भी आज यही सोच रहे हैं कि भाई निकले तो सही बाहर, घर से बाहर हमें पेटी सेट ढूंढने जाना है। तो अब ढूंढने जाना तो बहुत कुछ है, बट अभी हम तैयार होके बैठ गए हैं, बट समझ नहीं आ रहा कहाँ पे जाया जाए। पहले देखते हैं, अगर रेस्टोरेंट खुले हो तो वहाँ खाना पीना खाते हैं, नहीं खुले मतलब खुले तो है बट अगर लाइनअप लाइनअप वगैरह ज्यादा ज्यादा ना ना हो, हो तो, रिजर्वेशन मिल जाए। और स्टोर्स के बाहर भी देखते हैं, जिस स्टोर के बाहर सबसे कम लाइन होगी वहां घुस के देख लेंगे कुछ ना कुछ मिलेगा तो। हाँ, खरीद तो लेना ही है कुछ, खाली है तो वापस नहीं आते। और चल चल सुनने लग रही है, ठीक है सब कुछ ठीक है। घर में ना निकलते टाइम दरवाजे और शीशे होने का नुकसान यही होता है, अपना लोग होना खड़े जाते चाहिए हैं, सब तो ज्यादा जरूरी है, खड़े देखने जाते हैं के बाद लोग, कौन रुक रहा है फिर। लोग खड़े जाते हैं, फिर देख रहते हैं मैं हाँ ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, तू तो देखी ना। मेरे को जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही ठीक हूँ। आहा या देखी ना। ना ना कैसा लग रहा हूँ मैं, पतला बताओ लो, सब्सक्राइबर ने पूछी जरा प्लीज, कितना पतला लग रहा है, नहीं लग भाई रहा। देखो बताओ मैं कुछ पतला हूँ। हाँ टायर स्टाइल का धूप इतनी है, जरूरी है जरूरी। बाय बाय 917, मिलते हैं थोड़ी देर में। सनी जी, होम सेल्स से बाहर लाइन अप नहीं हुआ था, कैन आई गो? या श्योर नो प्रॉब्लम, या तो लाइन अप ना हो तो कहीं भी जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। ओके या जो मैनू उम्मीद सी वही सीगा, विनर्स दे बाद तां बहुत लाइन अप शुरू हो गया। नेक्स्ट दिस इज विनर्स, बहुत ही लंबा लाइन अप है। पहला स्टॉप खाना, कितने आ गए? मोंटेनास जाके पूछिए, पहला जगह हैगी हैगी हाँ। चलो जो हैगी तो फिर बैठ जाएंगे अपन, फिर अपन खाऊंगे। तो यहाँ भी गेड़ी मार के देखा बाहर, कहते हैं इसके रेस्टोरेंट के पीछे वाली साइड पे इनका पैटियो बना हुआ है। हाँ। वहाँ पे कहते हैं इन्होंने बाहर आउटडोर में ही लगा रखे हैं कुर्सियाँ वगैरह टेबल वगैरह। तो बस अब हमने जाके पूछते हैं यहाँ पे कि भाई कोई खाली टेबल हो दे दो। तो दे दो फिर हमें, ओके आए हैं थोड़ी देर बैठ जाएंगे। तो जी लाया तो मैं था मैडम को डिस्ट्रैक्ट करने, पर खाना देख के तो मैं ही डिस्ट्रैक्ट हो गया। सिर्फ पैटियो ही ओपन हुआ है, इंडोर डाइनिंग मास्क पे भी मास्क। हाँ हाँ मैं अंदर थोड़ी गई। ओके सनी, ये स्कैन करना उसने बोला पहले। यस सनी नाउ हाँ जी
किया मैं ऑर्डर किया था एक इनका लंच स्पेशल मेन्यू था जिसमें एक सूप आता है, एक सैलड आता है और एक बर्गर या सैंडविच टाइप। तो मैंने एक वो लिया है, मैडम ने लिया है चिकन क्लब रैप जो कि एक बेसिकली रैप होगा चिकन फ्राइज के साथ या फ्राइज के साथ। She liked my outfit. Oh, yeah. Me too. तो मैं काफ़ी अच्छा सेटअप किया उन लोगों ने यहाँ पे। इनका पीछे एक स्पेस था थोड़ा सा छोटा सा, यहाँ पे उन्होंने अपना टेबल चेयर लगा रखे हैं। बाहर धूप अच्छी है और ऊपर छाता भी दिया हुआ है अपना धूप से बचने के लिए। सबको दूर दूर बैठा रखा है लोगों ने। नाइस सेटअप। जमाने बाद आए हैं। कितने जमाने बाद आके बैठे हम किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाने के लिए। हाँ, मम्मी को मिस कर रहे हैं। लास्ट टाइम मम्मी थी हमारे साथ यहाँ। हाँ, यहाँ पे लेके आए थे हम मम्मी को लास्ट टाइम। उनको हमने खिलाया था गोभी के पकौड़े खिलाए थे उनको। तो ये आया मैडम का चिकन रैप साथ में फ्राइज। ये मेरा बर्गर टाइप, नॉट एग्जैक्टली बर्गर बट समथिंग। ये मेरा सैलड और वो सूप। फिर कहते मैं पतला हो गया, इधर देख। कोई नहीं, मैं भी खाऊंगा थोड़ा से आज थोड़ी। सारा क्या था? ये प्लेट साफ। हेल्प कर दो। तेरे भी साफ मैं करूं? मैं कर सकता हूं। सादा खा लिया, पेट बाहर आ गया। नहीं आया। थोड़ी देर में आ जाएगा, सब मिल जाएगा बाहर यहाँ पर। तो फिर चादर रखी गई है गर्मी का प्रकोप से बचने के लिए। चादर का यूज था हमें कोई या साड़ जुग गया गर्मी। लाइन अप अभी भी उतरी है जितनी हम छोड़ के गए थे। अभी जब हम आते हुए देख के गए थे बिल्कुल लगता है तो बढ़ी रही हैं, कम तो नहीं होगी। वो तेरी दीवार ही देख। वो पहले ही दीवार तक थी लाइन, अभी और आगे तक चली गई। चलो जी, खाना वाना हो गया, अब वापस करें मैडम को डिस्ट्रैक्ट। हाँ जी। हाँ जी। सो हम पहुंचे होम डिपो में देखने के लिए अपना पैटियो फर्नीचर। अगर मिलता है तो उठा लेंगे, अगर मिलता है और अगर पसंद आता है तो। हाँ, लाना डोरमैट ये। हाँ, यहाँ तो बड़े वाला ही पड़ा है। पिछली बार जब आए थे दो दो वाला भी पड़ा होता, छोटे थ्री सीटर सेट, बट इस टाइम सिर्फ बड़े वाला। इतना बड़ा नहीं चाहिए अभी हमें। नहीं, इतना बड़ा नहीं चाहिए हमें। बाकी कुर्सियाँ पड़ी, यहाँ पे कुर्सियाँ चलेंगी वाली? नहीं। हाँ, नो, सो यू वांट प्रॉपर वाला सेट? हाँ। ओहो, नहीं है, यहाँ तो है नहीं। इस तरह के मटीरियल वाला चाहिए मुझे। और ये वाली कुर्सी और वो वाली कुर्सी। वैसे तो देखने में सही लग रहा है बट इसकी जो चौड़ाई है कुछ ज्यादा ही चौड़ा है मुझे लगता है। अपना वो अपना जो वो वाला एरिया है पूरा सारी जगह गिर जाएगी। इससे तो कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल भी है और देखने में भी अच्छा है बट बहुत ज्यादा जगह गिरने वाला है। ये वाला ज्यादा लग रहा है। हेलो चकलो चलो चकलो कुछ तो ले लिया। कुछ तो लिया, यस। हाँ जी, हम कितने हम जेड़ा जेड़ा स्टोर खुलता मिल रहे हैं उठे चलते। चलो ओके, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। चुपचाप सेट पांच मिनट होगा, मजाक बना रखा है। बैठ के देख।
चलो जाओ नेक्स्ट। ओह नाइस, इनके पास है सामान। वहाँ पिछला में कुछ भी नहीं था, खाली पड़ा था बेचारा। तो जी हम आ गए थे दूसरे स्टोर में, उस वाले में तो कुछ खास मिला नहीं हमें, तो यहाँ पे काफ़ी सामान हमें नज़र आ रहा है। आपको इतनी आसानी से पसंद कहाँ आता है कुछ नहीं ना। सॉलिड सा नहीं लग रहा है मैं ना। सारे हल्के-फुल्के से हैं। हल्के-फुल्के जो लग रहे हैं। मजा नहीं आ रहा है। मुझे कुछ ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दिया मैडम को, या तो वो हटी नहीं शॉपिंग से, कभी एक स्टोर कभी दूसरा स्टोर। नहीं ना, तनु अच्छा लगा? नहीं, इतना मैं दाग नहीं था। बट फॉर द प्राइस दे आर नॉट दैट गुड। यार मेरे को बासुन चाहिए अपने घर के लिए, वो हरे वाले गंदे से वो चेंज करना है मैंने। और ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है। ये वाला जो है ये है $108 ऑलमोस्ट, ये वाला $135। बैठ गया आप बताइए कौन सा अच्छा है, ये वाला या ये वाला। चलो वी हैव नो मोर शॉपिंग, नो मोर स्टोर्स। सरप्राइज यहाँ तक पहुँच चुका है, अब बस मैडम को लेके आना सरप्राइज तक, वो भी बबल टी के बहाने। हाँ जी, सारा काम छाड़ गए तो की लेने गए? बुलबुल टी, बुलबुल टी। ये क्यों लेने गए? भाई मूड था मेरा लेने का, पतला हो गया ना मैं पतला। चलो खोलो। हाँ खोलो, मूड शूट कुछ नहीं सी। फिर किसी का मूड नहीं सी तो और किसी।